हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी के तेल के बेनिफिट्स शेयर करूंगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। तो वीडियो एंड तक देखना, अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। तो गाइस, छोटी सी वीडियो होगी तो इसका वैसे मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। ये है गुड वाइब्स का कैस्टर ऑयल, तो इसका मैं डिटेल में रिव्यू कर चुकी हूँ। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आज मैं इसके सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स से आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ कि कैस्टर ऑयल कैसा होता है, यानी कि अरंडी के तेल का टेक्सचर कैसा होता है। गाइस, ये थोड़ा सा थिक टेक्सचर में होता है। सी गाइस, इस तरह का इसका टेक्सचर होता है, बहुत ज़्यादा थिक होता है इसका, और फ्रेग्रेंस वगैरह कुछ खास नहीं होती है इसकी। तो अब बारी आती है इसके बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स हेयर की बता देती हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है अरंडी के तेल को यूज़ करने के। फर्स्ट बेनिफिट कैस्टर ऑयल का ये है कि आपकी हेयर्स को सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है, यानी कि अगर आपके ड्राई हेयर्स हैं तो उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और आपके हेयर्स को एकदम से सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है। तो वो इसे यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको कैस्टर ऑयल लेना है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसका टेक्स्चर थिक होता है, तो आपको आधा चम्मच इस तेल का लेना है। एंड अदर तेल में आप इसे मिक्स करके अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज कर सकते हो। ये आपकी हेयर्स को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। सेकेंड, आपके हेयर्स को एकदम से कंडीशन करता है। थर्ड, आपके हेयर्स पे अगर डैंड्रफ है तो उसे रिमूव करता है। फोर्थ, आपके हेयर्स को सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड लॉन्ग बनाता है। गाइस, आपके स्प्लिट एंड्स को भी रिमूव करता है, यानी कि आपकी हेयर्स की सारी के सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। आपको एक कैस्टर ऑयल आपके सारे के सारे ये प्रॉब्लम्स, ड्राई हेयर्स, उसे ड्राई हेयर्स हैं तो उसे रिमूव करेगा। अगर आप अपने हेयर्स को कंडीशन करना चाहते हो तो उस पर भी वर्क करता है। आपकी हेयर के डैंड्रफ को रिमूव करता है एंड स्प्लिट एंड्स को रिमूव करता है। एंड गाइज, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हेयर के लिए। तो आपको इसे अच्छे से मसाज करनी है। आप चाहो तो वीक में वन टाइम गुड वाइब्स के कैस्टर ऑयल से अपने हेयर्स पर मसाज कर सकते हो। सेकेंड गाइज, इसका जो बेनिफिट स्किन के लिए ये है कि अगर आपके स्किन ड्राई है तो उस पर वर्क करता है। आप अगर आपके फेस पे झुर्रियाँ हैं तो झुर्रियों को कम करने में हेल्प करता है। थर्ड, अगर आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई हो गए हैं तो गाइस उसे भी ये ड्राई को स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। गाइस, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको इस बहुत सारे वे से इसे यूज़ कर सकती हो इस कैस्टर ऑयल को। तो ये हेयर लेंथ को तो बढ़ाता ही है, बल्कि हमारे स्किन के लिए भी गाइस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आप इससे अपनी फेस की मसाज कर सकते हो, आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि झुर्रियों को भी कम करता है, लिप्स को भी सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है। तो इस तरह के कुछ ही इसके बेनिफिट्स हैं। अगर हम पूरी बॉडी की बात करें तो गाइज, अगर आप लोगों को गठिया है तो जहाँ जहाँ भी आपके जो भी जॉइंट पेन्स होती हैं वहाँ पर आप इससे मालिश कर सकते हो अपनी बॉडी पर। तो ये बहुत बेसिक वर्क करता है। तो गाइज, इसका जो टेक्स्चर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो आपको किसी और ऑयल में अच्छे से मिक्स करके फिर इस ऑयल को यूज़ करना है। गाइस, ये थे इसके बेनिफिट्स। अब बारी आती है कि हम कैस्टर ऑयल कौन सा लें, क्योंकि मार्केट में तो आपको बहुत सारे कैस्टर ऑयल मिल जाएंगे। हम बेस्ट कैस्टर ऑयल की पहचान कैसे करें? तो सबसे पहले उस पर 100% प्योर लिखा हुआ होना चाहिए, कैरियर ऑयल कोल्ड प्रेस्ड लिखा होना चाहिए, एंड ऑर्गेनिक कोल्ड एंड गाइस ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल होना चाहिए। ये सभी इसके साइंस हैं बेस्ट कैस्टर ऑयल के। गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इसके सारे के सारे बेनिफिट्स हेल्पफुल लगे हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।